हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत शामिल है। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखेगा। इस वीडियो में हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो वह है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है, कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, और इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल। ये विटामिन ए के लिए। अब विटामिन बी वन की बात करें, अगला है विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम क्या है? वह है थायमिन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और इसका स्रोत कौन कौन सा है? एक तो मूंगफली, आलू और सब्जियों। विटामिन बी वन काम किस में पाया जाता है? मूंगफली, आलू और सब्जियों में पाया जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम क्या है? वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक तो त्वचा का फटना और आँखों का रोग। विटामिन बी टू की कमी से त्वचा फटती है और आँखों का रोग होता है। अब इसके स्रोत क्या क्या है, किस किस में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी टू? तो एक तो अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ। विटामिन बी टू इनमें पाया जाता है, अंडा, दूध और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी थ्री। और विटामिन अगर बी थ्री इसका रासायनिक नाम की बात करें तो वह नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना। विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होते हैं। अब इसके स्रोत क्या है? तो एक तो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। विटामिन बी थ्री के स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली, और इसकी कमी से मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन बी फाइव, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? वो है पेंटोथिनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथिनिक अम्ल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक विकार, जिसे पेलाग्रा भी कहते हैं। विटामिन बी फाइव की कमी से मानसिक विकार होता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। और इसके स्रोत क्या है, किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एक तो है मांस, मूँगफली और आलू, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी फाइव। अगला देखते हैं, अगला जो विटामिन है वो विटामिन बी सिक्स, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वह पायरीडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरीडॉक्सिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है, और इसके स्रोत क्या है? तो दूध, मांस और सब्जी। ये विटामिन बी सिक्स के स्रोत है, दूध, मांस और सब्जी। अगला विटामिन देखते हैं, अगला है विटामिन एच बी सेवन, तो इसका रासायनिक नाम है वह बायोटिन। विटामिन एच बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक तो लकवा होता है और शरीर में दर्द होता है। विटामिन एच बी सेवन की कमी से लकवा और शरीर में दर्द होता है, और उसकी स्रोत क्या है? तो एक तो यीस्ट, गेहूँ और अंडा, इनमें प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं, यीस्ट, गेहूँ और अंडे में। ओके फ्रेंड्स, विटामिन बी ट्वेल्व देखते हैं, अगला है विटामिन बी ट्वेल्व, इसका रासायनिक नाम क्या है? वो है साइनोकोबालमिन। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है, और इनके स्रोत क्या है, किसमें ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो मांस, कलेजी और दूध। मांस, कलेजी और दूध में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कलेजी भी एक मांस का प्रकार ही हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? वो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े में सूजन आ जाती है या फूल जाते हैं। इसके स्रोत क्या है? तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, नारंगी और संतरा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया विटामिन सी। अगला देखते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? वो है
कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और इसके स्रोत क्या क्या है, वो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। पर इसका सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी मिलता है वो मिलता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ए देखते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, वो है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वह जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होने लगती है। और इसके स्रोत क्या है, तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन ए के स्रोत क्या है, हरी सब्जी, मक्खन और दूध। रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। और स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। अगला देखते हैं विटामिन के। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के की जब कमी होने लगती है शरीर में, तो इसकी कमी से जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त कंटिन्यू बहता रहता है। और इसके स्रोत क्या है, किनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन के, तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, इनमें ये विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का या खून का थक्का नहीं बनना। और इस होता है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए।